आपको एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं काम कर लेना चाहिए। एनर्जाइज फील होता है एंड यू फील मोटिवेटेड एंड टफ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अशान एंड आई एम इन इंदौर राइट नाउ। सॉरी आप लोगों को बता नहीं पाया कि मुझे इंदौर क्यों आना पड़ा और अभी पिछले कुछ दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। देर वॉज सम प्रॉब्लम इन माई फैमिली। एक्चुअली माई फादर वॉज पॉजिटिव। आई डोंट नो वेदर ही इज स्टिल पॉजिटिव और नॉट, बट येस अभी इट्स ऑलरेडी 20-21 डेज ही इज आउट ऑफ डेंजर और ही कॉट निमोनिया ऑफ 56-60%। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अभी भी कभी कभी ऑक्सीजन लेते हैं। तो आई वॉज इन रश एंड देन वी डिसाइडेड टू कम टू इंदौर। दिस इज माई होम टाउन। मेरे ब्रदर रहते हैं यहाँ पे, उनकी फैमिली है और मम्मी पापा रहते हैं। तो इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू गिव एनी अपडेट्स एंड एनी ब्लॉग्स टू यू गाइस। तो अभी द सिचुएशन इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ही इज ऑन रिकवरी स्टेज राइट नाउ। सो अभी देखते हैं कैसे क्या करना है। और इंदौर और भोपाल और बहुत सारी सिटीज़ जो हैं मध्य प्रदेश की, वो 30 अप्रैल तक ऑलरेडी लॉकडाउन पे हैं। और ये जो फ्लाइट्स हैं ये तो चल रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऐसे ही सुगम तरीके से काम करेगा। द लाइफ विल कम बैक टू द नॉर्मल। सो होप फॉर द बेस्ट। बहुत दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए करीब, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा टेंशन चल रहा था। माहौल बहुत डिफरेंट होता है, यू नो। आई नो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वी हैव टू बी मोटिवेटेड फॉर आवर हेल्थ एंड कीप वर्किंग। पर ठीक है, अभी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें आप लोग कुछ कर नहीं सकते। देन अगेन आई हैव डिसाइडेड कि फिर शुरू करते हैं और जब जागो तब सवेरा वाली बात है। तो आज से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ एंड आई विल डू वार्म अप। दौड़ने की तो जगह नहीं है, आई हैव गॉट द टेरेस। तो अभी जितना हो सकेगा उतना करूँगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आई होप आप लोग हेल्दी हैं और कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एट द टाइम ऑफ कोविड पॉजिटिव। मिलता हूँ थोड़ी देर में। रन कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं तो मज़ा आता है और एनर्जाइज फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है इस डिप्रेसिंग से माहौल में लॉकडाउन के टाइम पे। यू नो, कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, मन लगा रहना चाहिए कहीं ना कहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो करते रहना चाहिए। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं फिटनेस करते रहूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ और जहाँ भी जगह मिले। इनफैक्ट समटाइम्स टेरेस नहीं होती, आई डोंट हैव एनी प्लेस, तो मैं अपने घर के अंदर जो कमरे हैं उन्हीं में दौड़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसा सिर्फ मैं अकेला नहीं करता, बहुत सारे एथलीट्स भी करते हैं, बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको बहाना चाहिए वर्कआउट करने का, ठीक है। आपको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं काम कर लेना चाहिए। एनर्जाइज फील होता है एंड यू फील ऑल थ्रू आउट द डे मोटिवेटेड एंड टफ। अब समस्या ये है कि कोरोना वायरस तो जो चल रहा है चल रहा है, साथ में उसका डबल एंड ट्रिपल वेरिएंट भी आ गया है मार्केट में, जो कि सबसे ज़्यादा हमें दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता में देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये कहना है कि RT-PCR टेस्ट कराने के बाद भी वो जो ट्रिपल और डबल वेरिएंट है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि विदाउट गेटिंग पॉजिटिव रिपोर्ट पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड उनके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते जा रहे हैं। वैक्सीन अवेलेबल हैं मार्केट में और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो 1 तारीख से फ्री वैक्सीन लगाएंगी अपने सिटीजन्स को, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस टाइप की जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो पूरे इंडिया में पैन इंडिया उसको अप्रूवल मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे और सभी को वैक्सीन ज़रूर लगे। आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं
थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, डेफिनेटली वील गेट वैक्सीनेटेड। क्योंकि ये देखने में आया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जिनको कोरोना हुआ है दे हैव नॉट रीच्ड टू द क्रिटिकल स्टेज और उनकी रिकवरी फास्ट है, चाहे वो 45 प्लस हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, या वो 75 प्लस पेशेंट्स क्यों ना हों। तो जो परसेंटेज आया है वो उसमें ये है कि दे आर नॉट गेटिंग क्रिटिकली इन्फेक्टेड एंड डेथ रेट उसमें बहुत ज़्यादा कम है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, इंडिया में क्या है, लोग अपने आप को ही डुबाते हैं मुझे ऐसा लगता है। अब इतनी ज़रूरत के टाइम पे पैसा बनाने में लगे हुए लोग, मतलब आई फील वेरी पिटी ऑन दोज पीपल जो इस टाइम पे लोगों को जो मदद करना चाहिए, इतनी महामारी फैली हुई है। आप सोचो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है 800 रुपये गवर्नमेंट ने उसके रेट्स तय किए हैं, पीपल आर सेलिंग इन 40,000 रुपीज़, कैन यू बिलीव 40,000। आप और मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी अगली सांस है, आपकी खुशियों की सांस है, कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा है, थोड़ा तो आपको सोचना चाहिए। कुछ काम नहीं आने वाला वो पैसा उन लोगों के, जब वो लोगों के काम नहीं आ पाए समय पे, तो नथिंग, मतलब कुछ हो नहीं सकता। मन बहुत ख़राब है ये सब चीज़ें देख कर। पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, और नेचुरल सी बात है, ऐसा माहौल जो डिप्रेसिंग सा माहौल है चारों तरफ, अगर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि आज इतने लोग मर गए, आज ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है और इंजेक्शन नहीं मिल पाया, लंग्स में इतना इन्फेक्शन हो गया है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वी डोंट हैव मनी टू गेट द ट्रीटमेंट डन, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। पर मेरा सबसे यही कहना है और मैं खुद से भी यही कहता हूँ कि स्टे मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरों को पढ़ने की और सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में आप लोग फ्री बैठे होते हैं तो हाथ में होता है मोबाइल और हम सिर्फ स्क्रॉल करने के अलावा और कुछ करते नहीं, फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं और हम फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें यही सब है कि कहीं हॉस्पिटल में लोग चिल्ला रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है। मतलब हमें थोड़ा सा सेंसिबली ये भी समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर। तो अपने आप को बिज़ी रखें, जो भी काम आपको करना अच्छा लगता है, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ भी आप सोचें, चीज़ों को लेके जाएं कि कैसे ठीक हो सकती हैं, खुद में सेल्फ इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, कैसे आप चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने आप में। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है, बट डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स ज़रूर इस चीज़ों पर लगे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, और हमें हमारा ये काम करना है कि हमें इस चेन को ब्रेक करना है। तो हम सबको घर के अंदर ही रहना है और बिल्कुल भी फालतू काम के बाहर नहीं जाना है, जाना भी पड़े तो आपको वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग सिर्फ इसलिए था कि मैं आप लोगों से दूर ना जाऊँ, आप लोगों से टच में रहूँ। अपना, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, बिना काम के तो बिल्कुल भी मत जाइए। वाहेगुरु जी से यही अरदास है सबके लिए कि सब लोग स्वस्थ हों और बहुत जल्दी ये बुरा समय चले जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।